हेलो दोस्तों, इन्वेस्टेडरा में आपका स्वागत है। आज का वीडियो एंजल वन स्मार्ट एपीआई पर है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आजकल स्टॉक मार्केट भरा पड़ा है एल्गो से। आप एक ऑर्डर प्लेस करते हो, उसके ऊपर एक दूसरा ऑर्डर आ जाता है और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एपीआई के माध्यम से भेजी जा रही है। एंजल वन का स्मार्ट एपीआई एक फ्री एपीआई है जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हो। आप हिस्टोरिकल कैंडल डेटा डाउनलोड करके आपकी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो, डेटा एनालिसिस कर सकते हो, आप लाइव स्ट्रीम मार्केट डेटा कर सकते हो अपने सिस्टम पर, और भी बहुत सारी चीज़ें एपीआई के माध्यम से की जा सकती है। तो आइए समझते हैं एंजल वन का स्मार्ट एपीआई। ये एक वीडियो सीरीज है एंजल वन स्मार्ट एपीआई पर। तो ये पहला वीडियो है जिसमें हम एपीआई क्रेडेंशियल्स के बारे में समझेंगे, कैसे उसे रजिस्टर किया जाता है और कितना स्मूथ प्रोसेस है एंजल वन द्वारा। तो स्मार्ट एपीआई के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ google.com पर आना है, स्मार्ट एपीआई टाइप करनी है, एंजल वन टाइप करना है और एंटर कर देना है। आपको एक वेब यूआरएल मिल जाएगा, ठीक है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे स्मार्ट एपीआई एंजल वन का वेबसाइट खुल रखा है और यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। तो पहला जो टैब है आप यहाँ पे देख सकते हैं वो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन का है, जिसमें आपको सारे कोड्स मिल जाते हैं, भले ही वो पाइथन के हो या C++ के हो या तो और भी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हो। इसके बाद आते हैं एनेबल TOTP पर। ये एक सिक्योरिटी फीचर है जो आपको स्मार्ट एपीआई में दिया जाता है और बहुत ही फायदेमंद है और बहुत ही सिक्योर भी। फोरम, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, आपको कोई भी क्वेरीज रिजॉल्व करनी हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो या तो आप किसी और की क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हो। FAQs बहुत ही जरूरी होता है, इससे बहुत सारी क्वेरीज हमारी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाती है। इसके बाद आते हैं साइन अप पर, और जैसे ही साइन अप हो जाएगा उस पर लॉग इन पर। एंजल वन का स्मार्ट एपीआई यूज करने के लिए आपको एंजल वन का डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। बिना डीमैट अकाउंट के आपको लॉग इन क्रेडेंशियल्स नहीं मिलेंगे और बिना लॉग इन क्रेडेंशियल्स के आप एपीआई यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपने अकाउंट नहीं खोल रखा है तो आप सिंपल एंजल वन टाइप कीजिए और आपका ये angel1.in का वेब यूआरएल आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ आप अपने नंबर को रजिस्टर कर दोगे, ओटीपी जो भी है उसे वेरीफाई कर दोगे, तो आपका प्रोसेस जो है डीमैट अकाउंट ओपनिंग का वो बहुत ही कम समय में खुल जाता है। ओके, आते हैं स्मार्ट एपीआई पर। तो जैसे कि मैंने कहा, ये एक एंजल वन स्मार्ट एपीआई सीरीज है। इसमें आने वाले वीडियोस में हम जानेंगे कि कैसे पाइथन लैंग्वेज यूज करके हम अपने खुद के एल्गोस डेवलप कर सकते हैं, खुद के स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं एंजल वन स्मार्ट एपीआई के साथ। पहला प्रोसेस जो है वो है साइन अप प्रोसेस। साइन अप प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म सबमिट करना होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं साइन अप करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप सिर्फ अपना नाम डालिए, पासवर्ड, आपको क्राइटेरिया मैच करना होगा। ठीक है, मोबाइल नंबर जरूरी है क्योंकि आपका वेरिफिकेशन होगा, ईमेल एड्रेस भी जरूरी है। ठीक है, एजेंट क्लाइंट आईडी डालने की अभी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस करेंगे और साइन अप करेंगे तो आपको ईमेल ओटीपी और मोबाइल ओटीपी पूछा जाएगा। जैसे ही आप ये दोनों फीड करते हो आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो इतना स्मूथ प्रोसेस है एंजल वन द्वारा। आप सिर्फ साइन अप नाउ पे क्लिक करूंगा तो मेरा अकाउंट खुल जाएगा। देख, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। आप ओके करोगे तो आपको लॉगिन पेज पे फिर से भेज देगा। तो यहाँ पे सेम क्रेडेंशियल से लॉगिन कीजिए और आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट खुल चुका है। मेरा अकाउंट पहले से ही रजिस्टर्ड था, तो आप यहाँ पे बहुत सारे एप्स देख सकते हैं। मैं पहले तो ये सारे एप्स डिलीट कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी ऐप मेरा एक्टिव नहीं है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ एक ऐप जनरेट करना होता है, वो चाहे ट्रेडिंग एपीआई के लिए हो या हिस्टोरिकल एपीआई के लिए। तो आप सिर्फ क्रिएट एन ऐप पर क्लिक करेंगे तो ये एक वेब पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेडिंग एपीआई, पब्लिशर एपीआई, हिस्टोरिकल एपीआई और मार्केट फीड्स एपीआई। तो ट्रेडिंग एपीआई पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एपीआई टाइप जो है वो ट्रेडिंग एपीआई आ जाएगा आपका। ऐप नेम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं इसे दे देता हूँ KR Gupta CE_ trading API। रीडायरेक्ट यूआरएल के लिए आप google.com का भी
URL यूज कर सकते हैं। अच्छा होगा आप एंजल वन का यूज कीजिएगा, ठीक है, कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल पी। पोस्ट बैक URL आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑप्शनल बता रहा है, और एजेंट क्लाइंट ID भी कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट एन ऐप करेंगे, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेडिंग API का एक ऐप बन चुका है, हमें API की और सीक्रेट की मिल गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ API की और सीक्रेट की को कॉपी करके रख लेना है, तो नोटपैड पर जाएंगे और यहाँ पे API_key टाइप करेंगे इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास में, आप इसे कॉपी कर लीजिए, ओके। सिमिलरली सीक्रेट की को भी कॉपी कर लेता है, ओके। इस फाइल को हम सेव कर लेंगे क्रेडेंशियल्स के नाम पर एंजल वन के, ओके, और सेव कर देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना सिंपल प्रोसेस था, हमें सिर्फ API क्रिएट करना था और हमारा API क्रिएट हो चुका है। ऐसे ही हम एक और हिस्टोरिकल API भी क्रिएट कर लेते हैं जल्द से जल्द, यहाँ पे हिस्टोरिकल नाम दे देंगे, URL सेम फीड करेंगे, ओके, क्रिएट एन ऐप करेंगे, तो यहाँ पे एक ऐप बन जाता है, तो आपको हिस्टोरिकल ट्रेडिंग का भी एक ऐप मिल जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज करेंगे यहाँ पे, इसे भी कॉपी कर लेंगे और नोटपैड पे जाएंगे, यहाँ पे हिस्टोरिकल API टाइप करेंगे _key इक्वल टू और सेम चीज सीक्रेट की भी ऐसे ही कॉपी करके रख लेंगे, ओके, सेव कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है स्मार्ट API एंजल वन का, वो कंप्लीट हो जाता है। हमें सिर्फ और सिर्फ API की और सीक्रेट की जरूरत है सारे डेटा को फेच करवाने के लिए अपने सिस्टम पर। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम एक प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे, हम पाइथन लैंग्वेज यूज करने वाले हैं, तो मैं सबलाइम टेक्स्ट यूज करूंगा और कैसे सबलाइम टेक्स्ट को इंस्टॉल किया जाता है और क्या क्या सिस्टम सेटिंग्स करनी पड़ती है, ये आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक वीडियो सीरीज है, तो आप एक एक वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा ताकि आपको आसानी हो एंजल वन का स्मार्ट API यूज करने में। थैंक यू।